नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम प्लम्बर भाई बिल्डिंग वगैरह में इंडियन और ईसा पेन बिठाने से पहले हम पीट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पीट्रैप को सेट करते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जो पीट्रैप होता है 110 mm का, उसको हम 110 mm SWR पाइप में किस तरह से फिट करते हैं और उसे बाथरूम में कितने इंच में सेट किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब हम दोस्तों जो पीट्रैप है उसको SWR पाइप में फिट करके आपको दिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों हमने प्योर सीमेंट का एक माल बना लिया है और वहाँ पे सूखा सीमेंट है, तो अब हम इसको जोड़ के दिखाएंगे आपको। तो जो सीमेंट हमने बनाया है, सीमेंट का माल प्योर, तो उसको हम लोग जो पीट्रैप है उसके ज्वाइंट में हम लगा लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से, इस तरह से। ज़्यादा भी माल नहीं लगाना है, लगभग आपको आधा इंच तक माल लगाना है उसके ऊपर, इस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ से। एक बार आपका पीट्रैप में माल लग गया, सेम उसी तरह आपको जो SWR पाइप है उसमें भी आपको माल लगा के ले लेना है। उसके बाद थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग आने के लिए उसके ऊपर थोड़ा पानी लगा रहे हैं ताकि जो पाइप एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो सीमेंट अप्लाई कर दिया है पीट्रैप में अच्छी तरह से, उसी तरह से अब हम SWR पाइप में भी जो सीमेंट का माल है वह हम अच्छी तरह से बना लेंगे। दोस्तों, जो आप पीट्रैप में पाइप का जो टुकड़ा लगाएंगे कभी भी 16 इंच 17 इंच का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, हम SWR पाइप में भी जो सीमेंट का माल है अप्लाई कर देंगे, इसमें भी आधा इंच तक हम माल लगाएंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। SWR पाइप में भी आपको सीमेंट का माल लगा के ले लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों सीमेंट लगाने से क्या होता है, जो चीनी मिट्टी का पीट्रैप होता है और SWR पाइप, जो दोनों को है मजबूत बना देता है और कभी भी लीकेज नहीं आता है। और दोस्तों, जब हम इसको लगा देते हैं उसके बाद ही वाटरप्रूफ होता है और उससे और मजबूत हो जाता है बाथरूम। अब दोस्तों, पाइप में हमने लगा दिया है, अब पीट्रैप को और SWR पाइप को हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, और रखने के बाद आपको लेबल में चेक कर लेना है कि यह जो आपका पाइप है एकदम लेबल में चाहिए, लेबल बबल जो है एकदम सेंटर में होना चाहिए। तो जो है एकदम स्ट्रेट है पाइप, हमने चेक कर लिया है। अब हम इसको सांधे को अच्छी तरह से फिनिशिंग करके भर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा सांधा निकला हुआ है बाहर, हम इसको आप अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे, और कम ज़्यादा रहेगा तो आप ऊपर से इस तरह से इसे लगा सकते हैं। तो ये पीट्रैप और SWR पाइप को ज्वाइन करने का यह एक प्रॉपर तरीका है दोस्तों। चारों तरफ से आप अच्छे से फिनिशिंग कर लेना। फिनिशिंग करने के बाद सूखा जो सीमेंट है इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिससे यह जल्दी सूख जाए और पकड़ और भी मजबूत बना ले। सूखा जो सीमेंट है हम अच्छी तरह से चारों तरफ से मार लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पी ट्रैप और SWR पाइप का जॉइंट किया हुआ है सीमेंट से, और हम चारों तरफ से सूखे सीमेंट से हम फिनिशिंग करके ले रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो ज्वाइंटिंग है हो चुका है और आपको चारों तरफ से घुमा के हम दिखा दे रहे हैं फिट आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से आप चेक कर लेना एक टाइम, कहीं से सांधा खुला तो नहीं है। तो इस तरह से आपको इसका जो फीलिंग है करके ले लेना है। तो जो पीट्रैप है हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है, एच डब्ल्यू आर पाइप और पीट्रैप को जॉइंटिंग कर लिया है और अब हम इसे इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि कितने इंच पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों कंबाइंड बाथरूम है जिसमें शावर एरिया भी होगा और टॉयलेट एरिया भी होगा, तो उसके हिसाब से हम आपको इंडियन ओरिसा पेंट का पीट्रैप सेट करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं बाथरूम की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम, इस बाथरूम में वहां पे इंडियन ओरिसा पेंट रहने वाला है और इस दीवार पे मिक्सचर आने वाला है। तो इस बाथरूम में पीट्रैप और इंडियन ओरिसा पेंट किस तरह से सेट करते हैं उसके पीट्रैप को उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉयलेट है जिस साइड आपका इंडियन ओरिसा पेंट रहेगा वहां से जो इसका सेंटर होल लेना है पीट्रैप का, आपको टेप में मैं आपके बता दे रहा हूँ, 15 इंच आपको देना है इसका होल का जो सेंटर है। इसी तरह से आपको यह जो पीट्रैप है सेंटर टू सेंटर बाजू वाले दीवार से 15.5 इंच आपको ले लेना है। आप 15 इंच भी कर सकते हैं, 15 से 16 इंच के बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों हमने 15.5 इंच पे सेट किया हुआ है। तो दोस्तों हम पीट्रैप को सेट करने के लिए होल में माल वगैरह लगा रहे हैं। तो कभी भी आपको जो कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है जिसमें आपका इंडियन ओरिसा पेन आता है और हाफ बाथरूम में आपका शावर एरिया रहता है, वहां पे जो पीट्रैप होता है आपको साइड वाले दीवार से 15 इंच से 16 इंच के बीच में आपको सेंटर रखना होता है और हमने यहाँ पे 15.5 इंच सेंटर लेके सेट किया है। और दोस्तों जो पीछे का दीवार होता है पीछे के दीवार से आपको 12 इंच मीन्स 1 फुट सेंटर लेके रखना है। अब नीचे भी माल अप्लाई करके ले लेंगे जहां पे पीट्रैप अपना रहेगा। कभी कभी बाथरूम जो है नीचे से थोड़ा अप डाउन रहता है तो नीचे माल लगा लेंगे तो आपका पीट्रैप लेवल रहेगा। अब हम पीट्रैप को उसके ऊपर रखेंगे और फिर उसका मेजरमेंट जिस तरह से आपको बताया था मैं, पीछे की दीवार से 1 फीट सेंटर और साइड की दीवार से 15 से लेकर 16 इंच के बीच में आप रख सकते हैं, हमने यहाँ पे 15.5 इंच रखा हुआ है। पीछे से 1 फीट सेंटर और साइड वाली दीवार से 15.5 इंच सेंटर हमने रखा हुआ है, आप 15 से 16 इंच के बीच में रख सकते हैं। आप चाहे तो बाहर से लाइन डोरी वगैरह गिरा सकते हैं कि आपका पाइप एकदम सीधा रहे, क्योंकि जो बिल्डिंग होती है 4 माला 5 माला ऊपर कितना भी होता है तो आपका लाइन जो है बाहर से एकदम स्ट्रेट रहे। तो यहाँ पे साइड वाले दीवार से हम सेंटर देख रहे हैं 15.5 इंच सेंटर और पीछे से 1 फीट सेंटर। तो एकदम बराबर है अपना। पीछे का भी जो पाइप है वो हम चेक करके ले रहे हैं कि सेंटर है कि नहीं, तो वो भी बराबर है। अब पूरा हमने मेजरमेंट ले लिया है, अब हम पीट्रैप को साइड बाय साइड माल से जाम कर देंगे। उससे पहले दोस्तों आपको जो है लेबल बाटली में इसको चेक करके ले लेना है। जो पीट्रैप है आपका चारों तरफ से एकदम सेंटर में ही होना चाहिए, जो लेबल बबल है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी स्लोप नहीं देना है, एकदम लेबल में चाहिए आपका पीट्रैप। तो लेबल बाटली में आप सेट कर लेना इसको, उसके बाद चारों तरफ से माल में जाम कर देना। तब हम इसको अच्छे से माल अप्लाई करके सेट कर लेते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपका कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम है जहां पे आधा इंडियन कमोड बेड रहा है आधा शावर एरिया है, तो वहां पे इस तरह से आप पीट्रैप सेट करना, उसके बाद में उसके ऊपर डायरेक्ट कमोड बिठा के ले लेना।